भाजपा नेता सह पूर्व मध्य रेल के सदस्य मनोज पोदार ने रविवार को जमुई सांसद सह लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को चिट्ठी लिखकर झाझा से गिरिडीह तक जाने वाली नई रेल लाइन परियोजना का पहला फेज झाझा से बटिया तक का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। श्री पोदार ने अपने पत्र में लिखा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद चिराग पासवान ने 2 मार्च 2019 को सोनो में झाझा से बटिया तक का शिलान्यास किया था, जिसका सर्वेक्षण रिपोर्ट भी 10 माह पहले ही आ चुकी है, जबकि धरातल पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, चकाई की जनता धैर्यवान और सहनशील तो है, इसलिए इसका प्रतिफल मीठा होना चाहिए न कि तीखा। श्री पोदार ने कहा कि चकाई की जनता का सिर्फ दायित्व ही नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार भी है कि पल पल की जानकारी प्राप्त हो। झाझा से गिरिडीह तक रेल कार्य का काम कब तक शुरू हो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपनी सरकार बनी थी, NDA की सरकार बनी थी केंद्र में, तो हमें काफ़ी खुशी मिली थी कि अपनी सरकार बन गई है और अपने सांसद भी नए हैं। इसीलिए हमने, वैसे तो मैं कई वर्षों से मैं चकाई में रेल लाइन की मांग करते आ रहा हूं और कई बार हमने रेल मंत्री से और अपने सांसद से इस संबंध में मिला, और तब जा कर के पिछले साल 2 मार्च 2019 को सोनो में इसका शिलान्यास हुआ, और इस शिलान्यास में माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और सांसद चिराग पासवान जी भी वहां आकर शिलान्यास उन्होंने किया था, और हम सब की आस जगी थी, चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता की आस जगी। लेकिन यह शिलान्यास के बाद आज लगभग 2 वर्ष बीतने जा रहा है, और पिछले साल जबकि इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जो मैं दिल्ली से सांसद जी के यहाँ से लाकर चकाई की जनता को हमने बताने का कार्य किया था, लेकिन आज चकाई की जनता जानना चाहती है कि यह कार्य कब आरंभ होगा। शिलान्यास तक ही अगर रह जाए तो फिर चकाई की जनता निराश हो जाएगी एक बार फिर से, क्योंकि मुझे याद है 2004 में जब तत्कालीन रेल राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने इसका सर्वेक्षण कराया था, तब की लागत 2900 करोड़ रुपये थी, 623 करोड़ रुपये थी, लेकिन आज इसका जो है बजट 2800 करोड़ की है, और ये कब तक पूरा होगा चकाई की जनता जानना चाहती, इसलिए हमने सांसद जी को चिट्ठी लिखी है।